कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। कहीं ना कहीं प्रकृति के नियमों और पर्यावरण को बर्बाद करने में मनुष्य ही जिम्मेदार है। जिस तरह से धड़ल्ले से जंगलों में पेड़ों की कटाई कर जंगलों को खत्म किया जा रहा है, आज यही वजह है कि कोरोना और अन्य बीमारियों ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। इसे देखते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के पूर्व जोन के महासचिव सैयद करीम उर्फ जानी भाई ने मुस्लिम कब्रिस्तान में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश में एक पहल की और पेड़ लगाने की ठानी। और उनके इस कार्य को सराहते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता राजेंद्र पातोड़े ने सैयद जानी का पूरा सहयोग करते हुए पार्टी की ओर से पौधे प्रदान किए। आज मुस्लिम धर्म गुरुओं और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेताओं के हाथों अकोला शहर में स्थित शिवनी परिसर के मुस्लिम कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण को सुधारने और लोगों को भविष्य में ऑक्सीजन प्राकृतिक तरीके से मिले इसके लिए पौधे लगाकर एक अच्छी शुरुआत की। सैयद जानी के इस कार्य की वजह से पूरे परिसर में उनकी प्रशंसा हो रही है और हर कोई उनसे सीख लेकर अपने कब्रिस्तान में पेड़ लगाने का मन बना रहे हैं। आपको बता दें कि सैयद जानी बरसों से भारिप के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। यही वजह है कि आज वंचित बहुजन अघाड़ी उनकी मेहनत को देखते हुए इनाम के तौर पर उनको पूर्व का सचिव बनाया गया है। ये पूरी जानकारी हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल को सैयद जानी ने दी। मुस्लिम कब्रिस्तान की जानिब से आज शिवर में जो कब्रिस्तान के अंदर झाड़ लगाने का प्रोग्राम था, हमारे सैयद जानी भाई और तमाम यहाँ के जो दीनी आलमदार है उनके हाजिरी में ये प्रोग्राम हो रहा है और साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्ष उनके साथ मिलके आज जो ये प्रोग्राम लिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है कि कब्रिस्तान में इस तरह से झाड़ों का लगाना। और जबकि कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से ये बहुत अच्छी पहल है ऐसा हम मानते हैं। शिवनी गाँव के जूने कब्रिस्तान के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी ने हमको जो झाड़ देकर बहुत अच्छा काम किया और ये कब्रिस्तान लगभग 100 साल पुराना है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का और हमारे शिवनी गांव के तमाम उलमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पर आए और झाड़ लगाए। इतना बोल के मैं मेरे पे शिवनी कब्रिस्तान, हर व्यक्ति ने एक झाड़ लगाना चाहिए क्योंकि जो कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की कमी है वो कमी भर के निकले, यही या वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मैं संदेश देना चाहता हूँ। शिवर गांव में हमारे कार्यकर्ता जानी भाई, इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम चालू कर दिया, उसकी प्रेरणा हर गांव में हर आदमी लेके इसी समय का इसी टाइप का कार्यक्रम करना चाहिए। और हर आदमी को ये बोलता है जिसका जन्मदिन हो, जन्मदिन के ऊपर भी एक वृक्ष लगाने से जो ऑक्सीजन की कमी है वो ऑक्सीजन की कमी की उन्हें हमेशा रहेंगी नहीं, ये आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ।